तो व्हाट्सएप गाइस, दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ आपको वीरेंद्र सिंह और दिलराज भाई के बारे में पूरी सच्चाई, वो भी प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आपको जितने भी आपके मन में या दिमाग में जितने भी आपके ख्याल वगैरह हैं, उनके जहन में क्वेश्चन वगैरह है, मैं सारे इस वीडियो में सोल्व कर दूंगा। तो ऐसा ही कि भाई, यूट्यूब पर बहुत सारे बंदों ने कचरा फैला दिया, एकदम कचरा, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में सब फैला दिया है कि मिस्टर इंडियन हैकर और यानी कि दिलराज भाई और वीरेंद्र सिंह के बीच में कंट्रोवर्सी हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो बना दिए कि दिलराज सिंह रावत ने वीरेंद्र सिंह को उनकी टीम से निकाल दिया है। तो भाई, इस टॉपिक पे तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। लेकिन मैं इसी बारे में आपको एक बात बता देता हूँ कि भाई, हर बंदे की एक लाइफ होती हो और वो उसे खुद के हिसाब से जीना चाहता है। और भाई, एक बंदे ने मेरे से पूछा था कि वीरेंद्र सिंह का यूट्यूब चैनल इतनी जल्दी से ग्रो कैसे हो गया। तो भाई, मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र सिंह जो कि अभी दिलराज भाई की टीम में नहीं है वैसे तो, लेकिन वो अभी 3 साल से वर्क कर रहे थे मिस्टर इंडियन हैकर चैनल यूट्यूब के लिए। वो यूट्यूब चैनल पर मतलब जो मिस्टर इंडियन हैकर की वीडियोस रहती थी उनको एडिट करते थे, एंड वो वीडियो एडिटर थे, थंबनेल मेकर थे, तो एडिट का सारा काम वही करते थे। एंड उसी चीज़ से उनकी बहुत अच्छी खासी चैनल पर फेस वैल्यू बनी हुई थी। जिसके बाद आपको एक बात और पता होगा कि जो मिस्टर इंडियन हैकर का एक व्लॉग चैनल था, सभी चैनल से हटा दो, और एक व्लॉग चैनल था जिसको बस वीरेंद्र सिंह ही संभालते थे। जो भी एक्सपेरिमेंट होते थे उनका व्लॉग वीरेंद्र सिंह बनाते थे। एंड गाइस, वहीं से उनकी बहुत से बहुत ज़्यादा, यूँ मान सकते हो आप कि उनकी फेस वैल्यू बन गई थी, एंड लोग उनको पसंद भी करते थे। भाई, एक बात ये भी है कि लोग उनको पसंद करते थे। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि भाई, थोड़ी बहुत तो उनकी मेहनत है, लेकिन हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि पूरी उनकी मेहनत है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनकी फेस वैल्यू बहुत पहले से बनी हुई थी इस चैनल पे, इसलिए वो आगे बढ़ गए। और गाइस, यही बात थी उनकी कि उन्होंने 7 दिन में 100K सब्सक्राइबर्स कर लिए, एंड 10 से 11 दिन लगे थे उनको, आराम से उन्होंने 150K सब्सक्राइबर्स कर लिए। तो गाइस, उनकी यही बात थी कि उनकी फेस वैल्यू एंड लोगों को उनकी वॉइस वगैरह पसंद थी, एंड उनका कंटेंट भी अच्छा है, इसलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब करे जा रहे हैं। और उनकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी सी बनी हुई। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला था कि भाई, मैं आपको बताने वाला था कि इस वीडियो में कि वीरेंद्र सिंह इतनी जल्दी ग्रो कैसे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिस्टर इंडियन हैकर और वीरेंद्र सिंह के बीच में जो भी लड़ाई वगैरह हुई, कंट्रोवर्सी हुई, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ना तो वीरेंद्र सिंह से कंट्रोवर्सी करनी है, ना दिलराज भाई से कंट्रोवर्सी करनी है, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। तो गाइज, आपको इस वीडियो में ये बताना था, तो यही थी पूरी सच्चाई। और गाइज, अगर आपको ये भी जानना हो कि मिस्टर इंडियन हैकर और वीरेंद्र सिंह दोनों अलग अलग क्यों हो गए, तो वो भी मैं आपको पूरी सच्चाई के और पूरे प्रूफ के साथ बता दूंगा। तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो मैं कल ही ला के दे दूँ। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना अगर आपको ये लड़ाई के बारे में चाहिए, उनके बीच में क्या क्या हुआ था, एंड वीरेंद्र सिंह ने दिलराज भाई की टीम क्यों छोड़ी, या दिलराज भाई ने वीरेंद्र सिंह को टीम से क्यों निकाला, ये आपको सारी बातें उसमें पता चले जाएगी। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो कमेंट जाके जरूर कर देना और आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा गाइस 1-2 दिन में। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।